Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 1. How are you? Hopefully you are fine. Today we are going to start our maths work, page number 29. आज हमने पेज नंबर 29 का काम करना है. सबसे पहले आपने थ्री लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें आपने डेट, सी डब्ल्यू और डे मेंशन करना है. देन आपने क्वेश्चन रीड करना है, राइट द मिसिंग नंबर्स एंड द नंबर्स नेम. आपने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं और फिर नंबर्स के आपने नेम लिखने हैं. करना है इसमें क्या है, आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, जैसे हमने पीछे काम किया था वैसे ही हमने अब आगे करना है. आपको यहाँ पे फोर स्टैक नज़र आ रहे हैं. आपने इन फोर स्टैक में जितने भी बॉक्सेस हैं उनको वन बाय वन काउंट करते जाना है, ठीक है. जब आप इनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टोटल जो आएगा वो 40 बॉक्सेस आएंगे, यानी कि इन फोर स्टैक में 40 बॉक्सेस हैं. आपने यहाँ 40 राइट करना है, देन प्लस का साइन आएगा. आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर इन फोर स्टैक के अलावा कोई और स्टैक नहीं है या कोई और बॉक्स नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आपने क्या लगाना है, आपने ज़ीरो लगाना है. 40 में आप प्लस कर दें ज़ीरो को तो आपके पास 40 ही आएगा. आपने देन इसको इंग्लिश में राइट करना है, जो कि स्पेलिंग यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए, आपने इसको लर्न करना है. इसी तरह आपने पॉइंट बी में आ जाना है. यहाँ पर भी आपको फोर स्टैक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह. आपने इन्हें काउंट करना है तो टोटल आपके पास 40 बॉक्सेस आएंगे, यानी कि इन फोर स्टैक में 40 बॉक्सेस हैं. फिर आपने प्लस का साइन लगाना है जैसे ऊपर लगा हुआ है. उसके बाद आपने देखना है कि क्या कोई और स्टैक या कोई और बॉक्स तो नहीं है. अगर कोई बॉक्स है तो जितने बॉक्सेस हैं आपने वो नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है. यहाँ पे वन बॉक्स है इसलिए हमने यहाँ पे वन लिख दिया. 40 में वन प्लस किया तो 41 आया. अब आपने 41 को इंग्लिश में भी राइट करना है. आपने 41 का इंग्लिश में भी नेम लिखना है जो कि हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है. सेम आपने ऐसे ही 40 के स्पेलिंग जो हैं वो राइट करने हैं और फिर उसके आगे आपने वन लिखना है. इसी तरह आपने सी से जे तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्लास वर्क करने के बाद आपने पेज नंबर 30 पे आना है. पेज नंबर 30 आपका होमवर्क है. होमवर्क के लिए भी आप थ्री लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है. उसमें आपने डेट, सी डब्ल्यू और डे मेंशन करना है. देन आपने क्वेश्चन राइट करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बेटा चेंज हो गया है. हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस. आपने बताना है कि जो आपको ये स्टैक दिए हुए हैं इन स्टैक में कितने टेंस और कितने वंस हैं, ठीक है. फिर आपने उनको क्या करना है, बॉक्सेस में लिखना है. एक जो है वो आपको एग्जाम्पल दी हुई है. अगर आप पॉइंट ए देखें तो बेटा यहाँ पे आपके पास तीन स्टैक हैं. जब आप इनको वन बाय वन काउंट करोगे इन बॉक्सेस को तो आप टोटल देखोगे आपके पास आएगा 30 आएगा, ठीक है. फिर उसके बाद आप देखोगे कि इन तीन स्टैक के अलावा आपके पास दो और बॉक्सेस भी हैं, यानी कि 30 के अलावा आपके पास क्या है, 2 भी है. अब आपने इसको बॉक्स में लिखना कैसे है, आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में, जो हमारे पहले लेक्चर गुजर गए उनमें बताया था कि अगर आपने प्लेसमेंट स्टार्ट करनी है किसी भी वैल्यू की तो आप राइट हैंड साइड से करोगे और आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है वंस से. वंस के बाद आता है टेंस. आपने देखा कि थ्री किसकी पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे है. तो आप यहाँ लिखोगे थ्री टेंस प्लस टू वंस. अब अगर आप अकेले टू की प्लेसमेंट करोगे तो इसके ऊपर वंस ही आएगा. अब यहाँ पे थ्री टेंस प्लस टू वंस आएगा. अब आपने इस ब्लॉक में इसको इस तरह सिंपल वे में भी लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. थ्री टेंस का मतलब है 30, टू वंस का मतलब है 2. 30 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 32. इसी तरह आपने बी से एच तक का होमवर्क करना है. होमवर्क बहुत नीट करना है आपने, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नेटिव स्कूल्स चैनल. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.